हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आ गए हैं, करवा चौथ के व्रत के समय अगर महिलाएं कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं तो उन्हें कमजोरी का एहसास नहीं होगा, ऐसे कौन से थिंग्स हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देश भर में करवा चौथ का व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें जो शादीशुदा के साथ कुंवारी लड़कियां भी अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, जो कि निर्जला व्रत रखती हैं। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? इसके लिए क्या है कि अगर केसर के दूध में प्रोटीन की अच्छी मात्रा है तो जो शरीर में होने वाली कमजोरी से बचाती है। इसके लिए अगर आप व्रत से पहले केसर का दूध पीते हैं तो आपकी जो थकान है या पूरे दिन की वीकनेस आपको नहीं लगेगी और जो आपका पूरा दिन है उसे आप आराम से बिता पाएंगे। उसके बाद ये है, अगर व्रत करने की सोच रहे हैं तो पहले डाइट पर ध्यान दें। व्रत से पहले डाइट में ड्राई फ्रूट को जरूर शामिल करें, इससे आपको कमजोरी का एहसास नहीं होगा। अगर आप व्रत से पहले पनीर का सेवन करते हैं तो आपके शरीर से कमजोरी दूर हो जाती है। और इसे करवा चौथ से पहले एक दिन पहले अगर आप पनीर का सेवन करते हैं तो आपको करवा चौथ वाले दिन कुछ हद तक आपको अलग एक्टिविटी या ये कहें कि वीकनेस नहीं मिलेगी। व्रत से पहले कोकोनट बात करें तो कोकोनट वाटर का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे आपको कमजोरी कम महसूस होगी। और व्रत से पहले एक दिन पहले अगर आप आलू या आलू से बनी चीज़ों का सेवन करते हो तो ये भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है जी। तो ये थी बेसिक डिटेल। फर्स्ट ये थी कि केसर का दूध, और सेकंड है अगर आप ड्राई फ्रूट को शामिल करते हो, थर्ड है पनीर, और फोर्थ है कोकोनट वाटर, लास्ट है आप आलू या आलू से बनी चीज़ों का जी। तो ये थी आज की बेसिक डिटेल करवा चौथ से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।